हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरा ब्लॉग जो है वो नहा खा के दिन का ही है, इवनिंग का है। तो आप लोग साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ थोड़ी मार्केट से कुछ छठ के सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं मैं नाक में मेरे सिंदूर जो की थी ना पूरा, तो उसको मैंने हल्का थोड़ा सा मैंने उसको हटा लिया है ताकि ज़्यादा ना दिखे, क्योंकि आप जानते ही थोड़ा मार्केट वर्केट पर तो जाना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसको मैंने रुमाल से थोड़ा सा किया था, तो वही मैं देख रही थी नाक पर कि ज़्यादा दिख तो नहीं रहा है। और मैं यहाँ निकल चुके हैं और मेरी फ्रेंड भी आई हुई है, क्योंकि इस मार्केट जिस मार्केट में जा रहे हैं उस मार्केट मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। और फिर मैं वो मेरी एक बार मैं गई हूँ दोस्त के साथ ही गई हूँ, और फिर मैं बोली चलो आप आ जाओ, आपको ज़्यादा जानकारी फटाफट लेके आ जाएंगे। और देखो ये लता हटा दो भैया, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं वो साड़ी ब्लाउज अच्छा लग रहा है, वो साड़ी का उतना नहीं अच्छा लग रहा है ना, कलर नहीं मजा आ रहा है। इसका तो वेलवेट ही ब्लाउज है, वेलवेट है ना, गर्मी लगेगी। इसे कितना प्राइस? 2100। इतना महंगा थोड़ी लेना है ना, फिर कभी लेंगे ना जरूरत पड़ेगा तो। ये हल्दी कलर है, हाँ हल्दी कलर मेरे पास इसमें का साड़ी है, इस कलर बहुत अच्छा है, लेकिन सारी दो दो के एक डिजाइन को पूरा साड़ी में से कढ़ाई है। मैं आपको फोटो में नीचे साड़ी दिखाऊंगा, पाइएगा तो। बहन की शादी में लिए थी, ठीक है। ये कपड़ा 1250 1250 लिखा है, कितना है? 1350 लेकर 1250, 100 रुपये छूट दे रही है। हज़ार रुपये करना था ना, हज़ार रुपये दिवाली तो कम हो गई, खत्म हो गई। 1000 रुपये का तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग कुछ साड़ी देखे थे, और ये देखे क्लिप मतलब ये से साड़ी करके देखे थे कि कैसा लग रहा है, कौन सा खुल रहा है। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा मतलब अच्छा लग रहा है। ये लेमन कलर है और ये रेड कलर में, तो इसमें से आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो है हस्बैंड मतलब बोले थे कि आप तुम्हें कुछ लेना है तो ले सकते हो, मतलब ले लो साड़ी वाड़ी ले लो, छठ के लिए लेना नहीं है क्या? तो फिर जब उन्होंने बोला तो मैंने भी बोला कि चलो ठीक है एक देखते हैं, एक साड़ी हल्की साड़ी मैं देखती हूँ। तो मैं चली गई थी, और जो बर्तन का हमने लिया था वहाँ पे मैंने कुछ बनाने पे आप लोग सब पहले बता दिया है। तो यहाँ वजह से हम निकल रहे थे, तो एक मिस्टर DIY करके कुछ होता है, शॉप होता है, शॉप बोलेंगे या क्या बोलेंगे बड़ा सा, तो वहीं पर मुझे दिख गया। मैं ऑनलाइन बहुत देखती थी, लोगों को वीडियो में देखती थी, तो ये दिखा मैं, तो हम लोग बोले चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है, कि बहुत देखते सुनते थे कि सस्ते मतलब अच्छे रेट पर सब कुछ मिल जाए आते हैं। तो ये मैं देख रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन मुझे तो लगता है जैसे महंगा ही है सब कुछ, मुझे महंगा ही दिख रहा था। महंगा मतलब कि जब मार्केट लोकल से लेते हैं ना तो उससे तो ज़्यादा ही महंगा थोड़ा दिख रहा था। लेकिन हाँ कि जो ये होता है ना कि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाती है, या जो आपको बाहर मार्केट में दिखेगा वो यहाँ पर एक जगह पर दिख जाएगा। तो इसलिए लोग DIY मिस्टर DIY में आते हैं और करते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई तो इसलिए मुझे अभी तो टाइम नहीं था, बस हमने ऐसे थोड़ा सा घूमे कि घूम के देख क्या क्या है, क्या है क्या प्राइस है वो देख लिया। फिर कभी कुछ लेना होना होगा तो आराम से आऊँगी, मैंने यही सोचा, क्योंकि टाइम नहीं था। टाइम अब छठ का टाइमिंग है और बहुत सारा काम उम रहता है, ये तो मैं मुझे एक चक्कर लगा के आते। तो मेरी फ्रेंड एक दो अपने बेटी के लिए कुछ सामान उमान लिया और मैं तो बस घूम ली, क्योंकि मेरे को समझ भी नहीं आता क्या लूँ क्या नहीं लूँ। और अभी दिमाग में कुछ और चलते रहता है ना, जैसे छठ का टाइम है कुछ चीज़ें है, तब वो सब चीज़ में फिर दूसरा कुछ आता नहीं है। अब ये सब चीज़ें कुछ लेना हो थोड़ा यूनिक टाइप कुछ चीज़ें ले इसमें से, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा माइंड ना बिल्कुल थोड़ा साथ रहना चाहिए, मतलब दिमाग कुछ और नहीं चलते रहना चाहिए, मेरा तो यही है। तो इसलिए फिर बोले कि अब मैं देख ली है, मुझे चलो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे घूमते घूमते हम कभी आ जाएंगे। तो यहाँ से वहाँ हम लोग सामान उमान लिए और अब निकल गए। और छठ तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे, आप लोगों से बस थोड़ी सी ये बात करनी थी कि घर पे जैसे मेरी मायके में ससुराल में तो मेरे छठ हो रहा है, मायके में मेरे छठ नहीं हो रहा है। जैसे मेरी आंटी चाची लोग हैं तो वो लोग करती हैं, लेकिन साल नहीं हो रहा है। तो पापा मेरे घर पे अकेले हैं, हम बहन जो हैं बाहर है, मतलब मैं इधर हूँ। मैं जाने वाली थी घर पे, मैं सोची थी कि चली जाऊँगी, लेकिन अब जब जैसे कि वहाँ छठ नहीं हो रहा, जैसे मेरे बड़े पापा ना पिछले साल होली के बाद ना उनका मतलब स्वर्गवास हो गया उनका। तो हमारे यहाँ जैसे नियम होता है ना कि छठ नहीं करते हैं, मतलब एक साल तक बड़े त्यौहार जो होता है उसको नहीं करते हैं। तो फिर इसलिए अभी एक साल तक नहीं हुआ है, तो एक साल जब लगे उसके बाद ही करेंगे, तो इसलिए फिर घर पे छठ नहीं हो रहा। उसके पिछले जैसे अब पता है मेरी सिस्टर मतलब छोटी वाली जो सिस्टर थी वो ख़त्म हो गई तो नहीं हुआ, और इस साल बड़े पापा मतलब चले गए तो नहीं हुआ। तो फिर मैं बोली वहाँ मैं जाऊँ भी और वो करने का मतलब करेंगे नहीं सब लोग घर में, मैं करूँगी जो अच्छा भी नहीं लगेगा।
तो फिर मैं नहीं गई, लेकिन मुझे बहुत वो रहा है मेरे से, मेरे पापा सब लोग अपने अपने तो बिजी हैं, मेरे पापा अकेले हैं, मुझे बहुत वो लग रहा है। मैंने बोला भी अपने पापा को, बहुत बोला कि पापा आप आ जाइए यहाँ पे छठ करेंगे तो यहाँ पे घूम लीजिएगा अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पापा बोले नहीं मैं नहीं, मैं मतलब मुझे वो आना ही नहीं चाहते, कहीं बोलते मुझे कहीं आना जाना पसंद ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पहले आते थे ऐसा नहीं कि पहले, मतलब पहले ऐसे नहीं था नेचर, जब से बहन गई है ना तब से मेरा उनका ऐसा व्यवहार ऐसा हो गया है कि वो बोलते हैं मुझे नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पर रहूँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जैसे कुछ भी मैं बोले घूम थोड़ा घूम लेंगे, थोड़ा मन चेंज, मैं चाहती कि थोड़ा आए, थोड़ा उनका मन चेंज हो, थोड़ा सा एक जगह रह रहे आदमी वो हो जाता है थोड़ा सा, मतलब होता है ना डिप्रेशन जैसे आदमी रहता है तो, लेकिन वो आते ही नहीं। अब मैं बहुत प्रयास करती हूँ, मैं तो उनके सामने जब बोलती हूँ मना करते तो मैं मुझे बहुत रोना आता है, लेकिन मैं अपने को कंट्रोल करती हूँ, मैं कैसे पापा को समझाऊँ, कैसे उनको लेकर आऊँ, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं कब आएँगे। मैं तो छठी मैया से प्रार्थना करती हूँ कि छठी मैया मैं मेरे पापा मेरी बातें माने और आए, थोड़ा घूमें बाहर निकले तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद थोड़ा बहुत दिन तक उनको काफ़ी 6 महीने 7 महीने तक उनको नींद ही नहीं आती थी, रात रात को ऐसे जगह रहते थे, घूमते रहते थे, पता नहीं बट मेन बात कुछ शेयर कुछ के नहीं करते थे, तो वो चीज़ें फिर उसके बाद अभी बहन चली गई। अब कोई आदमी अपना मन की बात बोलता है कहता है ना तो हम समझते हैं, और आज मैंने आप लोगों से फर्स्ट टाइम सारी बातें शेयर करी हैं तो, लेकिन वो कुछ शेयर ही नहीं करते हैं तो हमें बहुत वो लगता है कि क्या करें क्या नहीं है, तो वही चीज़ है, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन करना है, पर्व है त्यौहार है तो करना ही है। तो चलिए ये सारी बातें हो गई, तो मैंने यहाँ जो सामान लेकर आई तो मैंने सोचा चलो आप लोग से शेयर कर देती हूँ क्या क्या मैं लेकर आई हूँ, और कुछ जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें थी वही लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ, जैसे कि तो आप लोग बताती हूँ मैंने क्या क्या यहाँ से लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कुछ बर्तन लिया है, मेरे पास बर्तन तो था थोड़ा जो ज़्यादा नहीं था, एक दो कुछ थे, और ये चीज़ जो लाई हूँ ना मेरे पास पतीले थे, इतने साइज़ के पतीले हैं, लेकिन क्या नीचे से जो उसका बॉटम है ना थोड़ा पतला है, तो जैसे खीर वीर बनाते हैं ना तो थोड़ा जल जाता है, तो इसलिए मैंने बोला कि इस टाइम में लेंगे। ये लोटा भी मेरे पास था लेकिन लोटा क्या मेरे हाथ से गिर गया था, तो गिरने से वो ना टूट गया था तो उसमें छेद हो गया था, तो पानी में गिरा था तो मुझे लोटा लेना था। ये लोटा मुझे पड़ा है 400 का लोटा था, तो 350 में ये मुझे लोटा पड़ा है शायद, मुझे लगता है, मैं बिल देख के कभी बताऊँगी, अभी मैं थोड़ा जल्दी में थी तो मैंने ऐसे आपको बता दिया। ये 400 का ही सेट मुझे पड़ा है लोटा, और ये एक पतीला है आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा पतीला मेरे पास पहले से था, इससे इसी के लगभग थोड़ा सा, लेकिन वो जैसे बॉटम में उसका पतला था ना तो जल जाता था, वो इंडक्शन वाला जो बोलते हैं ना ये भी इंडक्शन का है, तो इसका बॉटम जो है वो काफ़ी मोटा है, इसका जो देख सकते ये देखिए बगल में है ये मोटा है, लेकिन उसका पतला है तो कुछ भी बनाओ जल जाता है, तो इसलिए मैं बोली कि तो लेना ही पड़ेगा कि हर साल छठ करना ही यार काम आता है चीज़ें तो लेना ही चाहिए। और ये चाकू देखिए, चाकू मेरी फ्रेंड ने लिया था तो मेरे साथ ही आ गया था, तो ये साथ में ही पैक हुआ था ताकि मैं इसको बाद में दे दूंगी चाकू, मैं बोली देखो साथ में ही आ गया। और ये देखिए ये है थाली, बड़ा सा थाली बोलेंगे या परात, परात तो नहीं बोलेंगे, थाली ही बोलेंगे बड़े साइज का, तो मेरे पास जो एक छोटा सा इससे छोटा थाली इससे क्या बहुत ही छोटा है, तो उसमें मैं अर्घ भी दे देती हूँ, जैसे मैं जोड़ा अर्घ देती हूँ, जोड़े सूप जो बोलते हैं रख देना, तो जोरा से देती हूँ, तो मैं जोरा क्या ना कि जैसे बांस का सूप होता है तो बांस का सूप एक ले लेती हूँ और एक थाली ले लेती हूँ, तो उससे मैं रख देती हूँ, तो वो थाली छोटा पड़ता था उसमें ना सारा फल वल आ नहीं पाते थे, इसलिए मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था, तो इसलिए मैंने बोली बहुत दिन से बहुत सालों से सोच रही थी, तो इस साल मैं ले ही लेती हूँ, पहले मैं नहीं ले रही थी, तो सबसे पहले आपको बता दूँ पतीला जो था वो 1100 का था और ये थाली था 1300 का थाली था, पीतल का थाली था, और लोटा 400 का था, बात करते करते मैं भूल जाती हूँ, तो ये चीज़ था। उसके बाद वो मेरी शॉपिंग बर्तन की शॉपिंग यही थी, और दूसरा मैंने आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं शेयर करती हूँ, ये मैंने लिया साड़ी, आप लोग फोटो में देख ही लिए होंगे, तो ये साड़ी रेड कलर का मुझे अच्छा लगा, तो ये साड़ी जो है मैं बोली चलो हल्के में साड़ी, मुझे हल्का भी लेना था, तो हल्का में क्या होता आप कभी भी पहन लीजिए, हेवी साड़ी अब पहनने में फिर सोचना पड़ता है, तो ये साड़ी मुझे पता ही कितने में पड़ा होगा आप लोग गेस कीजिए, नहीं चलिए मैं बता ही दे, तो ये साड़ी मुझे 1300 के आसपास में मुझे पड़ा है, ठीक है 1350 इसका प्राइस इस पे है, तो 1350 का साड़ी है, तो उन्होंने 100 रुपये छूट देकर 1200 का दिया, हाँ 1350 लिखा था तो 100 रुपये शायद छूट मुझे पड़ा इसमें साड़ी को लेने में, तो मान लीजिए 1200 की ये साड़ी है,
तो आप लोग ये साड़ी कैसी लगी बताइएगा। तो मैं सोच रही कल सुबह छठ के सुबह में इसको पहनूं, क्योंकि हल्का है। सुबह में मैं इसको पहनती हूँ इसलिए कि हल्के साड़ी के, कि जैसे प्रसाद वसाद बांटना होता है ना, तो हल्के साड़ी रहता तो अच्छा रहता है। और ये देखिए, ये इसका ब्लाउज है, ये पीछे का गला है। तो साड़ी मुझे अच्छा लग रहा है, हल्के में लग रहा है, और रेड एंड वाइट का वो है ना, तो अच्छा लग रहा है। तो अभी सोच रही हूँ कि मेरे बिल्डिंग में एक भाभी हैं, वो सिलती हैं, तो पास रहने का कुछ फ़ायदा, बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो मैं उनको जाकर दूँगी, बोलूँगी कि आप अगर सिल देंगे तो सिलिए। हाँ, उनको मैं जोर नहीं दूँगी, क्योंकि जो ज़्यादा जोर देने पर ना चीज़ें गड़बड़ भी हो जाती है। तो मैं पूछूँगी उनसे कि कैसे सिल जाएगा, तो नहीं तो साड़ी का फॉल लगवा लूँगी। और ये कुछ मैंने सामान लिया था, आप देख सकते हैं वो झोला में जो पूजा के लिए सामान था, वो मैंने लेकर आई थी। और बस यही था आज का मेरा शॉपिंग ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय आप लोग, जय छठी मैया। और आगे भी ब्लॉग आप लोग से शेयर करती रहूँ।